क्वेश्चन में बोला क्या है, क्वेश्चन नंबर 22 एम्स में पूछा गया, ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन बोला अ बॉडी ए स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, ठीक, विथ एक्सेलरेशन ए वन, आफ्टर 2 सेकेंड अनदर बॉडी बी स्टार्ट विथ रेस्ट विथ एक्सेलरेशन ए टू, इफ दे ट्रेवल इक्वल डिस्टेंस इन 5th सेकेंड आफ्टर द स्टार्ट ए, देन द रेशियो ऑफ ए वन एंड ए टू। देखो एन सेकेंड का फॉर्मूला लगाना है, देखो कैसे करोगे। एक गाड़ी है या एक बॉडी है, जो भी कह सकते हो, एक बॉडी है, ठीक, वो स्टार्ट करी, अ बॉडी स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, इनिशियल वेलोसिटी क्या है, 0, एक्सेलरेट कितने से करी, A1 से, ठीक, एक्सेलरेट करी, ठीक, आफ्टर 2 सेकेंड, 2 सेकेंड बाद, 2 सेकेंड बाद दूसरी बॉडी का नंबर आया और वो भी इनिशियली रेस्ट पे थी, ठीक, और वो ए टू से एक्सेलरेट कर रही है, ठीक, और बोल कह रहा है कि दोनों ने इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल किया, कितने सेकंड में, 5 सेकंड में, ठीक, दोनों ने इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल किया 5 सेकंड में। देखो तो एन सेकंड का फॉर्मूला कैसे लगाओगे, यू इज इक्वल टू ए बाई टू टू एन माइनस वन होता है, इनिशियली तो रेस्ट पे था, तो एस इज इक्वल टू कितना हो गया, ए बाई टू टू एन माइनस वन। अब बच्चों अगर बात करो पहली वाली कितने सेकंड चली होगी, 5 सेकंड, मतलब 5 मतलब एन सेकंड मतलब 5th सेकंड चली होगी, और वो 2 सेकंड बाद चली, तो दूसरी वाली कितने सेकंड चली, 3 सेकंड। तो अगर हम एस और अगर हम एस वन निकालें तो ए वन बाई टू और यहां लिखेंगे 5 माइनस 1, कितना हुआ, 5 2 10, 9 ए वन बाई टू आ जाएगा, और एस टू अगर निकालोगे तो ए टू बाई टू, और उसके लिए 2 सेकंड बाद चली तो 3 ही सेकंड तो हुआ, तो कितना करेंगे, 3 2 6 माइनस 1, 5 a2 डिवाइडेड बाय 2, और क्वेश्चन में बोला क्या है कि दोनों का डिस्प्लेसमेंट सेम है, तो 9 a1 बाय 2, 5 a2 बाय 2, 2 से 2 कटा, तो a1 अपॉन a2 अगर आप निकालें तो कितना आ जाएगा, 5 बाई 9, है कहीं आंसर, देखिए ए आंसर क्या है, सही है, आ गया ना क्लियर। तो n सेकंड, देखो मैंने n सेकंड का मतलब आप अगर देखो तो पूरा कंप्लीट